हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे स्ट्रीम न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम 2 महीने से अपनी न्यूज देते आ रहे थे कि दीपावली से पहले रिफंड प्रक्रिया का प्रोसीजर दोबारा चला जाएगा, तो दोस्तों न्यूज तो हमारी बिल्कुल जैन मैन निकली, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सेवी विभाग ने केवल 5,000 का झुंझुनाई हम निवेशकों के हाथ में थमाया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि 5,000 के इस झुंझुने से सभी निवेशक आक्रोशित हैं, और इस आक्रोशित होने का मुख्य कारण है कि 8 साल के लंबे विलंब के बाद, जी हाँ दोस्तों, ये 5,000 रुपये की रिफंड प्रक्रिया का प्रोसीजर चलाया गया है। तो दोस्तों, ये सब किस लिए चलाया गया? जैसे कि आप जानते हैं कि 6 नवंबर को मोदी जी के आवास का घेराव करने के लिए सभी पल्स निवेशक और अदर चिटफंड कंपनियां का घेराव किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अदर कंपनियां सम्मिलित होकर मोदी जी के आवास का घेराव करेंगे और अपने पैसे की हक की लड़ाई के लिए उनसे आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो दोस्तों, इसकी भनक सरकार तक पहुंच चुकी थी, और इस आधार पर ये 5,000 का जो लॉलीपॉप इस वक्त निवेशकों को दिया गया है, वो निवेशकों को कमजोर करने के लिए दिया गया है। पल्स निवेशकों से हमारा आग्रह है कि वे अपने इस अभियान में पीछे ना रहे, क्योंकि दोस्तों 8 साल में 5,000 का प्रोसीजर का चालू करने का कोई इसका मतलब यह है कि निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा दोस्तों। जबकि बॉन्ड A to Z सभी जमा कर लिए गए थे, जब A to Z सारे बॉन्ड जमा किए गए तो निवेशकों को भी उन्हीं के बॉन्ड के आधार पर पैसे दिए जाने चाहिए थे दोस्तों। 5,000 का कोई भी खाता, जी हाँ दोस्तों, 5,000 का कोई प्लान PSEL के निवेशकों में नहीं पाया गया। तो दोस्तों, ये 5,000 का जो इन्होंने झुंझुना थमाया है, तो जाने ये कौन से निवेशकों को ये पैसा देने का गुमराह का सर्टिफिकेट इस वक्त निवेशकों को थमाया गया है, क्योंकि दोस्तों सबसे छोटा प्लान जो लास्ट स्टेज का 110 रुपये का भी प्लान इनका जो है जमा करने का FD है या RD का है, वो 7,500 से स्टार्टिंग होता है, तब की 5,000 का कोई प्लान PSEL में नहीं है दोस्तों। निवेशकों को गुमराह करने के लिए ये इस तरह के प्रोसीजर चलाया गया है कि निवेशकों का 6 नवंबर को जो एक बड़ा अभियान, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर किया जाएगा, तो उसको कमजोर करने के लिए यह प्रोसीजर चलाया गया। समस्त भारतवर्ष के पल्स निवेशकों से हमारा आग्रह है कि अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए और ज्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, जी हाँ दोस्तों, ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द मिलने की कोई रूपरेखा तैयार हो सके। तो दोस्तों, 10 साल में नहीं, हम 10 दिन में ये पैसा इस सरकार से लेकर रहेंगे, और जब तक हमारा पैसा सही तरीके से हम लोगों तक नहीं पहुंच जाता, ये हमारी लड़ाई आखिरी दम तक रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे आगे उनका ये भी अनुरोध है कि जिन निवेशकों की नाम नीति का या कानूनी वारिस अथवा रसीद नहीं है, उनका भी प्रमाण पत्र के बारे में सोचा जा रहा है, और जिन निवेशकों के बॉन्ड सबमिट कर लिया गया है उनके बारे में भी सोचा जा रहा है। तो दोस्तों, सोचते सोचते ना जाने कितने साल लग जाएंगे जब जाकर ये प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो जितने भी इस वक्त समस्त भारतवर्ष के निवेशक है, उन निवेशकों से आह्वान किया जाता है कि 6 नवंबर को दिल्ली चलो अभियान को सफल बनाएं। तो दोस्तों, ये हमारी बड़ी न्यूज़ आपको कैसी लगती है, इसके बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।